Namaskar, a very good evening everyone. I am Smriti Rastogi. And I'm Sanjeev Kumar, your Jeev. Welcome back to your program, which is always talking about so many good things, best friend forever. जानवरों के बारे में हम आपसे बातें करते रहेंगे हमेशा. इस बार का टॉपिक, जैसे हमने आपसे पहली बार कई बार डिस्कस किया कि मैक्सी ब्रीड्स के बारे में हम बात कर सकते हैं, कर चुके हैं, मीडियम ब्रीड्स के बारे में बात कर चुके हैं, और इस बार आपके साथ हम टॉय ब्रीड्स के बारे में बात करना चाह रहे हैं. हाउ tiny and cuddly little things are these. Absolutely, Sanjeev. और हमेशा की तरह नया टॉपिक है और हमारी कोशिश रहती है कुछ नया, कुछ अलग, कुछ डिफरेंट आपके सामने लेकर हर वीक प्रस्तुत हों. तो इस वीक का जो टॉपिक है वो भी अलग है. टॉय साइज्ड पेट्स के बारे में आज हम बात कर रहे हैं, विच आर वेरी पॉपुलर. बच्चों के बीच में इनकी पॉपुलैरिटी बहुत होती है क्योंकि कॉम्पैक्ट साइज होता है. लेकिन इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान में रखने की होती है वो ये है कि उनके न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स अलग होते हैं, उनके हेल्थ इशूज या हेल्थ कंडीशन वो भी अलग होते हैं, उनका लाइफ स्पैन को देखते हुए उनके लिए क्या नर्चरिंग कर सकते हैं हम, क्या डूज एंड डोंट्स होते हैं, क्या कुछ उनकी देखभाल में हम कर सकते हैं, इन तमाम पहलुओं पर आज हम बात करेंगे. और स्टूडियो में इन जानकारियों से हमें और अवगत कराने के लिए दो खास मेहमान हैं. आइए आपका इंट्रोडक्शन कराते हैं. सबसे पहले हमारे साथ हैं जयेश माथुर, ही इज टॉय ब्रीड एक्सपर्ट. आपका बहुत बहुत स्वागत है. वेलकम जयेश. थैंक यू. और हमारे साथ हैं रजनी नरुला, पेट ग्रूमर. आपका भी बहुत बहुत स्वागत. थैंक यू सो मच. और हमारे दर्शकों से ये रिक्वेस्ट है कि आपके जो कुछ भी सवाल स्मॉल साइज पेट से लेकर के या पेट से लेकर के कुछ भी आपको लगे डाउट हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं. और इस मंथ से हमारी पूरी कोशिश रहेगी, पूरा प्रयास रहेगा कि एग्जैक्ट और सही बात आप तक पहुंचाई जाए. आप हमें कॉल कर सकते हैं. हमारा फोन नंबर है 01123097532. इस नंबर पर कॉल करिए और हमारे साथ जुड़िए. जयेश, एक बहुत ही खूबसूरत स्मॉल साइज पेट हमें यहाँ पे देख सकते हैं, आप इनके बारे में कुछ बताइए हमें. He's a chihuahua and he's 12 plus now. Yeah. That's a lovely little guy over there. Yeah, he's a little nervous right now because it's a little bit of bright lighting for him. Right. As well as you know, unfamiliar surrounding for him. And for that matter, most छोटा पैकेट बड़ा धमाका जिसे हम कहते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. And most toy breeds are like that. So I've owned quite a few toy breeds over the years. जी जी जी. मैंने यॉर्कशायर्स भी रखे हैं, चिवावास भी रखे हैं, और इनमें किसी भी तरह से यू नो पीपल थिंक कि ये छोटे हैं तो कुछ अलग होंगे, बट यू नो देर एज इंटेलिजेंट आई वुड से, दे आर एज इंटरैक्टिव, दे आर एज अटैच्ड एंड अफेक्शनेट टू देयर ओनर्स. एंड द ओनली थिंग इज दैट देर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स व्हिच are special to toy breeds, which we will talk about. बिल्कुल, क्योंकि ये शो में हम कोशिश रहती है कि जितना अलग अलग पर्सपेक्टिव लेकर के आपके सामने हाजिर हों, उतनी हमारी कोशिश होती है कि नई नई चीज़ें आपके सामने लेकर के आएँ. और इस वक्त जो टॉय ब्रीड हमारे साथ है वो भी बहुत खास है. रजनी, जब हम बात करते हैं स्मॉल साइज पेट्स की और लार्ज साइज पेट्स की, तो बेसिक डिफरेंस उनमें हम कैसे, साइज तो एक डिफरेंस है लेकिन और कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर हम डिफरेंस समझना चाहें तो वो डिफरेंस आप कैसे एक नटशेल में बता पाएंगे? स्मृति, रजनी जी को जरा सा रोकेंगे. हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं बॉम्बे नाला सुपारा से. आपका सवाल, आपका नाम बताइए प्लीज. मेरा नाम सागर पांडे है जी. मेरा क्वेश्चन ये है कि लाइक मेरे पास एक पर्शियन कैट है जी, जो कि उसका हेयर फॉल होता है, वो बात करने टाइम जल्दी मतलब बात भी नहीं करता है, बहुत एग्रेसिव हो जाता है बातिंग टाइम. अच्छा. और आपके हेयर फॉल बहुत हो रहे हैं. दो सवाल मेरे आपके साथ रहेंगे कि आपके कैट का उम्र क्या है? वन ईयर. एंड आप कितने समय में उसको बात देते हैं? बात लाइक टू मंथ्स में एक बार. बिल्कुल. रजनी जी, पर्शियन कैट है
एक साल की है एंड मुश्किल से 10-12 बार अभी तक, 10-12 भी नहीं, 5-6 बार नहलाया गया है. सो क्या कॉशंस उनको लेने चाहिए ताकि वो आराम से बात ले सके, क्योंकि एक तो मिथ रहता है, लोग सोचते हैं कि कैट्स है तो नहला नहीं सकते, ऐसा तो नहीं, ऐसा नहीं है. कुछ भी नहीं है. एक्चुअली वो थोड़ी सी सुपर एक्टिव होती हैं. जब भी आप उनको बाथटब में डालते हैं तो वो जंप करके बाहर जाने की कोशिश करती हैं. तो सबसे पहले तो उनकी नेल्स कटिंग होनी चाहिए जब भी उनको बाथ देना है. जैसे रजनी ने बोला, आप ख्याल जरूर ये रख सकते हैं कि पानी लेके एकदम से उसके ऊपर में डाल दीजिए. हाँ. आप जब फेमिलराइज कराते हैं कैट को बाथ से, तो आप पहले उसके सामने पानी नलके से गिराइए, पाइप से गिराइए, थोड़ा सा पानी का फील मिलने दीजिए एंड फिर उसको नहलाना शुरू करिए धीरे धीरे. और अगर आप ड्रायर करने की कोशिश कर रहे हैं घर में तो ह्यूमन ड्रायर्स मत यूज़ करिएगा. अदरवाइज आप बॉम्बे में हैं, प्रोफेशनल ग्रूमिंग पार्लर्स भी हैं, यू कैन टेक द हेल्प. राइट जयेश? यस. टॉय ब्रीड्स के लिए जब हम बात करते हैं, दिस वन इज नाउ गेटिंग कंफर्टेबल एंड स्लीपी, बट 12 साल आपने बताया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 12 साल हम एक टॉय ब्रीड के बारे में बात कर रहे हैं, और यही हम जो एक लैब्राडोर या रिट्रीवर या जर्मन शेपर्ड या और अदर ब्रीड्स के बारे में जिसको मैक्सी साइज कैटेगरी में डालते हैं, टॉय ब्रीड्स के बारे में क्या लाइफ स्पैन रहता है? सो द कॉमन मिसकंसेप्शन दैट इज देयर इज दैट द स्मॉलर द ब्रीड द शॉर्टर द लाइफ. इनफैक्ट इज द अदर वे अराउंड. जो छोटी ब्रीड्स होती हैं, जो टॉय ब्रीड्स होती हैं, दे लिव लॉन्गर एंड आई वुडंट से नेसेसरली दैट हेल्दियर, बट दे डू हैव देयर ओन इशूज. जो चीज़ नहीं होती है छोटी ब्रीड में वो होती हैं जो बोन रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं, यू नो हिप डिस्प्लेजिया हो गया या यू नो जॉइंट रिलेटेड जो इश्यूज़ होते हैं, बिकॉज द बॉडी वेट इटसेल्फ इज सो लिटिल दैट दे डोंट गेट दोज मोबिलिटी इश्यूज़. दे डू, आई एम नॉट सेइंग दे डोंट, बट इट्स मच लेसर, इट्स फार लेस एज कम्पेयर टू द लार्जर ब्रीड्स. हम जो एज हम ये बात कर रहे थे और इश्यूज जो आप बात कर रहे थे कि कितना लाइफ स्पैन होगा, जैसे चुवावा है, यॉर्कशायर टेरियर, छोटी ब्रीड जो होती हैं वो ज़्यादा उनका लाइफ स्पैन होता है, वो ज़्यादा जीते हैं ऑन एन एवरेज जी एज कम्पेयर टू जो बड़ी ब्रीड्स होती हैं. और चुवावा अगर अगर सही कंडीशंस मिलती हैं, सही न्यूट्रिशन मिलता है, यू नो इनफ केयर, यू नो TLC जो जिसको बोलते हैं, तो ये 14-15 साल तक इनकी लाइफ स्पैन होती है. ये एक बहुत अहम फैक्टर होता है जिसके बारे में लोग अक्सर बात करते हैं. मगर रजनी, मैं आपसे एक सवाल कर रही थी कि जो बेसिक डिफरेंस होता है साइज का, तो हमें क्लियर है क्योंकि इसीलिए हम स्मॉल साइज या लार्ज साइज पेट्स की या डॉग्स की या ब्रीड्स की बात करते हैं, लेकिन इसके अलावा और कौन से बेसिक डिफरेंसेस होते हैं? क्योंकि बच्चों के बीच में जो टॉय ब्रीड के जो पेट्स होते हैं, डॉग्स होते हैं, वो बहुत पॉपुलर हैं, तो मगर उनके बीच में डिफरेंस भी पता होना चाहिए. उनके बीच में डिफरेंस थोड़ा एटीट्यूड का डिफरेंस होता है उनके अंदर. जैसे कि स्मॉल ब्रीड्स थोड़ी अग्रेसिव होती हैं, जैसे हम लासा एप्सो है या ये थोड़ी सी अग्रेसिव होती हैं, और जो बड़े ब्रीड है लैब हो गया या गोल्डन रिट्रीवर हैं, दे आर वेरी स्वीट बाय नेचर. तो बच्चों से मतलब उनको कोई ऐसा डर नहीं है. तो छोटी ब्रीड्स थोड़ी अनप्रडिक्टेबल होती हैं, तो वो कभी भी अटैक कर सकती हैं आपके ऊपर. वेल आई वुड लाइक टू डाइग्रेस एंड यू नो आई वुड बेग टू डिफर ऑन दिस. ऐसा मुझे नहीं लगता है जी. इनफैक्ट उल्टा होता है. छोटी ब्रीड्स को अगर आप चिवावा के लिए आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे, सो नॉट रिकमेंडेड फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए रिकमेंड नहीं किया जाता. उसका कारण उल्टा है, इनको बच्चों से ज्यादा खतरा है, बिकॉज बच्चे रफ खेलते हैं जी पपीज के साथ. सो एक लैब्राडोर या एक गोल्डन रिट्रीवर या एक सेन बर्नार्ड, यू नो यू कैन कडल, यू कैन रफ देम अप, लेकिन जो छोटी ब्रीड्स होती हैं और स्पेशली इनके जो पपीज होते हैं वो बहुत सेंसिटिव होते हैं. इनके जो साइज होता है, यू नो अगर बच्चा गलती से गिर भी गया इसके ऊपर तो इसको ग्रीवियस इंजरी हो सकती है. यू नो जयेश आपने बिल्कुल सही बोला, रजनी जी बोल रहे थे, जयेश आपने यू नो व्हाट यू आर ट्राइंग टू सजेस्ट इज कि अब सारी ब्रीड्स, मतलब कोई भी छोटा और बड़े की बात नहीं है, बिल्कुल जो भी ब्रीड्स हैं कुछ में टेम्परमेंट इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन पेट्स पर से आप पेट्स दे आर नॉट गोइंग टू बी अग्रेसिव और बाइटिंग इन देम. बिल्कुल बिल्कुल. बहुत इंपॉर्टेंट रजनी जी जो आप बात बोल रहे थे उसमें से पॉइंट ये निकलता है कि ट्रेनिंग बहुत जरूरी है पेट्स की. और पिछले कुछ साल समय से, पिछले 4-5 महीने से बहुत इंटरेस्टिंग इशू रहा है, और ज्यादा एक जो कि गलत चीजें हो रही हैं उनको हाईलाइट करते हुए ट्रेनिंग का एलिमेंट और इंडिया में होना चाहिए, क्योंकि हम अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं,
पढ़ाते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, राइट स्मृति? बिल्कुल. तो ट्रेनिंग इज समथिंग व्हिच इज एसेंशियल, तो वो अग्रेशन का फैक्टर, ये सारी चीजें कंट्रोल हो ही जाती है, राइट स्मृति? बिल्कुल, ये एक बहुत अहम फैक्टर है कि जब हम अपने बच्चों को ट्रेन करते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, एजुकेट करते हैं, तो जब ये नए सदस्य हमारी फैमिली का पार्ट बनते हैं तो उनके प्रति भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. तो हम उम्मीद नहीं कर सकते कि जैसे कि एक माँ के पेट से बच्चा सीख करके नहीं आता, उसको पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है, शिक्षा दी जाती है, वैसे ही हमारे पेट्स होते हैं, उनको भी ग्रूमिंग की जाती है, उनको भी ट्रेन किया जाता है. इसी नोट पे हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं, आइए रुक करते हैं कॉलर का. आप अपना नाम बताइए और सवाल पूछिए. सवाल मेरा ये है सर, मेरा 10 महीने का मेरा लेबराडोर है सर, अब मुझे ये लग रहा है कि अब उसको यानी बच्चे वाली प्रोसेस कब करनी चाहिए, फीमेल है तो. वेरी क्लियरली इनका जो हीट होता है जी, पहली हीट तो आपको स्किप करनी ही करनी चाहिए. दूसरी में डिपेंडिंग ऑन द हेल्थ ऑफ द डॉग, ऑफ द फीमेल डॉग, उसको आप एक बारी चेकअप करा लीजिए. अगर वो हेल्दी है एंड इफ शी इज मच्योर इनफ तब आप उसको ब्रीड कर सकते हैं. किस उम्र पे? सेकेंड हीट ऑनवर्ड जी. सो अगर पहली हीट 6 महीने पे आई है, दूसरी जो है वो 12 महीने पे है, तो देखा जा सकता है. इट डिपेंड्स ऑन हर हेल्थ वेदर, अगर वो खुद पूरी विकसित हो गई है, नहीं हुई है, उसके ऊपर डिपेंड करता है. तो एक साइकिल आपको ये देखना है कि मिनिमम एज 1.5 साल क्रॉस कर चुका हो तभी आप ये प्रोसेस टेक ऑन करें, राइट? बिल्कुल ठीक बात. अब इसी नोट पे एक बहुत ही अच्छा सा पैकेज हमारी टीम ने बनाया है, स्पा ट्रीटमेंट फॉर पेट्स. क्या होता है, लॉन्ग हेयर जो हमारे पेट्स होते हैं उनके लिए ये ट्रीटमेंट कितना जरूरी होता है, कितना खास होता है, आइए नजर डालते हैं. ऑयल से मसाज करने से डॉग की स्किन की ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाती है, और ड्राई स्किन हो उसको क्लियर करने में कुछ पर्टिकुलर ऑयल्स आते हैं जो बहुत हेल्पफुल हैं. साथ में कुछ एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं गाई ऑयल्स में. मसाज करने के बाद देखा गया है कि वो काफ़ी ज़्यादा बेटर हो जाती हैं. पहले नॉर्मल ड्राई हाथों से मसाज करना शुरू कीजिए, फिर आहिस्ता आहिस्ता ऑयल इंट्रोड्यूस कर दीजिए, थोड़ा थोड़ा, पूरी बॉडी पे नहीं, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं पूरी बॉडी पे लगाना और ग्रूमिंग्स के लिए. मसाज की अपनी एक पर्टिकुलर टेक्निक होती है कि आपने आगे से पीछे तक जाना है या पीछे से आगे तक जाना है. यूजुअली हम एडिबल ऑयल सजेस्ट करते हैं डॉग्स और कैट्स में, क्योंकि दे हैव टेंडेंसी टू लिक, तो ताकि अगर वो खा भी लेते हैं उसको, चाट भी लेते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती. कोकोनट ऑयल है, उसमें हम कैम्फर वगैरह ऐड कर सकते हैं, वो अगेन एक एडिबल प्रोडक्ट है. नहलाना नहीं है रेगुलरली, लेकिन अगर नॉर्मल स्किन और कोट है और कोई इश्यू नहीं है तो 20 से 30 दिन में एक बार उसको आप मसाज भी कर सकते हैं, नहला भी सकते हैं. कई बार हम आर्थराइटिस में सजेस्ट करते हैं कि मसाजिंग की जाए, वहाँ पे भी सर्कुलेशन बढ़ जाती है जॉइंट्स में. स्किन की सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए पहले प्री सर्जिकल उसको एक अच्छा सा मसाज और स्पा दे दीजिए, ताकि ऑयल स्किन की सर्कुलेशन अच्छी हो, जहाँ पे भी सर्जिकल इंसिजन होगा उसकी हीलिंग ज़्यादा अच्छी होती है. प्रेग्नेंट डॉग्स की मसाजिंग सी इनिशियल स्टेजेस में काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होती है, क्योंकि उनके जॉइंट्स और स्किन की लस्ट्रस मेंटेन करने के लिए. जब एडवांस स्टेज होती है तो बहुत पर्टिकुलर एरियाज में ही मसाज करना है, ज़्यादा जोर से मसाज नहीं करना है, लेकिन स्पाइन के एरिया में और पीछे वल्वा के एरिया में, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के एरिया में मसाजिंग अच्छी रहती है, सर्कुलेशन के लिए भी और ईजी वेल्पिंग के लिए भी. जो स्ट्रेस में होते हैं या ट्रॉमा से गुजर रहे होते हैं डॉग्स, उनके लिए मसाजिंग काफ़ी हेल्पफुल है. तो उनको एक तो ओनर का टच और दूसरे ह्यूमन बीइंग का टच मिलता है, तो वो ज़्यादा अच्छा फील करते हैं. अच्छा, कुछ नया आपके सामने लेके प्रस्तुत कर हो, तो इसी तरीके से हमारी टीम ने ये बहुत ही अच्छा सा पैकेज आपके सामने प्रेजेंट करके, इन्फॉर्मेटिव पैकेज प्रेजेंट करके कि क्यों स्पा जरूरी है हमारे पेट्स के लिए. और सर्दियां आ रही हैं, सर्दियों
का एक फैक्टर बहुत रिलेटेबल फैक्टर होता है. तो मुझे लगता है कि एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने में हमारा प्रयास बहुत कारगर रहा है. और संजीव, जब हम स्मॉल साइज पेट्स की बात करते हैं या टॉय साइज पेट्स की बात करते हैं जयेश, तो वेट का जो रेंज होता है, क्या वेट का रेंज होता है जिसमें हम स्मॉल साइज पेट्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि अगर ये वेट है तो स्मॉल साइज पेट है. तो जो बेसिकली एक जो क्लासिफिकेशन है वो टॉय ब्रीड्स की, वो 15 पाउंड के नीचे यानी रफली 6-6.5 किलो के नीचे जो ब्रीड्स हैं उनको टॉय ब्रीड्स में क्लासिफाई करते हैं, और फिर उसके बाद मीडियम एंड लार्ज. कुछ टॉय ब्रीड्स जो कि इंडिया में अवेलेबल हैं जैसे यॉर्कशायर टेरियर, चिवावा, माल्टीज, क्या हमारे को कुछ एक्स्ट्रा केयर लेनी होती है जब इनका ग्रूमिंग हम कर रहे होते हैं? बिल्कुल, क्योंकि दे आर वेरी डेलिकेट, तो इनको बहुत ध्यान से, इनकी जो फरी बेबीज हैं उनकी ट्रिमिंग की ज़रूरत होती है, बट जिनके फर नहीं है उनको ट्रिमिंग की ज़रूरत नहीं है, बट उनको बेसिक ग्रूमिंग करवानी बहुत ज़रूरी है. जैसे कि हाइजीन इज़ मस्ट जी. हाइजीन में टॉयलेट एरिया, स्टमक एरिया, पॉज के अंदर बाल होते हैं ये सब हम लोग क्लीन करते हैं. ईयर क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज इनको ईयर में इन्फेक्शन होने का थोड़ा डर रहता है. जयेश, व्हाट डू यू डू फॉर ग्रूमिंग एट होम? देखिए, चिवावाज, जब जो शॉर्ट कोटेड चिवावाज हैं इनके लिए तो देर इज़ नॉट मच. अगर आप इनको हर दूसरे तीसरे दिन ब्रशिंग कर दें, यू नो दैट्स मोर देन इनफ जी. ऑफकोर्स नेल्स हैव टू बी ट्रिम्ड, यू नो ऑल दैट, जैसे आप बड़े डॉग के लिए करते हैं वो सब तो करना ही होता है. हम रेगुलर ब्रशिंग करें, उनका ध्यान रखें, ईयर वैक्स क्लीन करना होता है. नाउ इसमें जो स्पेशल एक चीज़ जो अनफॉर्चुनेटली विद चीकू, यू नो इसकी डेंटल हाइजीन जो है वो बहुत अच्छी नहीं रह पाई. बहुत सही है पॉइंट आप लिखा है, मैं बोलना चाह रहा था. होता क्या है कि बड़े डॉग्स में तो आप ह्यूमन ब्रश लेके या थोड़ा बड़े साइज का या मीडियम साइज का जो ब्रश बच्चों वाला मिलता है, ह्यूमन वाला, उसको यूज कर सकते हैं टूथब्रश को. बट इसके साथ एक तो टू गेट हिम यूज टू गेटिंग हिज टीथ ब्रश्ड इज वेरी डिफिकल्ट. इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, वी कुड नेवर फाइंड अ ब्रश दैट टाइनी. उस वजह से इसके दांत जो हैं वो इस उम्र में आके काफ़ी ट्रबल कर रहे हैं. ही इज़ जस्ट हैड एन इशू एंड ही हैड टू बी टेकन टू द वेटनेरियन, और अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ हिज एज दैट एक्सट्रैक्शन के नॉट बी डन जी, बिकॉज इसका एक टूथ जो है वो एक्सट्रैक्ट होने के लिए है लेकिन वो कर नहीं सकते बिकॉज इसको एनेस्थीजिया नहीं दिया जा सकता. ही इज़ गॉट, बिकॉज ऑफ द एज, ही इज़ गॉट एन एनलार्ज्ड हार्ट, सो ही हैज़ टू लिव विद इट. My mother's very good with homeopathy and of course we've got a very good veterinarian. So, choti breeds mein thoda sa shuru mein bhi when they are puppies one has to be extremely careful. We have to be very observant. जी. देखना बहुत ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इनके ज़बान तो होती नहीं है. तो इनको देख के समझना कि क्या problem है. You know, to understand whether your pet has got a stomach ache or he's got a loose tummy. राजस्थान से, आप अपना नाम बताइए और अपना सवाल पूछिए. मेरे पास छोटा डॉगी है मैं साहब जी, वो ज्यादा बहुता रहता है, उसका क्या किया जाए? थैंक यू बाबू जी, बहुत ही ऑकवर्ड क्वेश्चन है. देखिए कोई बात बच्चा है जयेश तो भौंकेगा ही नहीं. एक चीज इनसे ये पूछनी पड़ेगी कि क्या आप उसको कन्फाइन करके बांध के रखते हैं या आप उसको खुला रखते हैं. भौंकना जो है एक एक किसी भी कुत्ते में, किसी भी पपी में एनर्जी होती है, तो वो एनर्जी भाग दौड़ के भी निकल सकती है और भौंक के भी निकल सकती है. तो आप क्या उसको एक्सरसाइज करा रहे हैं उसकी उम्र के हिसाब से, उसकी एक्टिविटी जो उसकी एनर्जी है उसको एग्जॉस्ट करा रहे हैं नहीं करा रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है. और अगर कोई चीज़ उसको परेशान कर रही है आपको ये देखना पड़ेगा कि वो क्यों भौंक रहा है और वो क्या कारण है जिस वजह से भौंक रहा है, और उसी हिसाब से आपको जो है उसके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा. जयेश बिल्कुल पॉइंट आपका यही है, बिल्कुल बहुत क्लियरली कि शायद वो बांध के रख रहे हैं क्योंकि अगर वो भौंकने से परेशान हो रहे हैं तो पेट लविंग एंड कीपिंग के एस्पेक्ट्स उनको जरा सोचने चाहिए, देखने चाहिए, जो आपने पॉइंट आउट किया. बिल्कुल, और क्योंकि हम जब पेट्स की बात करते हैं तो हम उनके लाइफ की बात करते हैं, उनके वेलबींग की बात करते हैं. अभी मैं जयेश और रजनी में आपसे ये सवाल करना चाहूंगी न्यूट्रिशनल वैल्यूज को लेकर के, कैसे हम उनको न्यूट्रिशन दे सकते हैं ताकि उनकी हेल्थ डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ में बेहतर हो. लेकिन उससे पहले हमारे पास एक पैकेज है जो कि बहुत इंसाइटफुल पैकेज है, बहुत सोच समझ के हमारी टीम ने इस पैकेज को तैयार किया है कि क्रिमेशन फैसिलिटी फॉर पेट्स. आइए देखते हैं. वाँ 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 वाँ
लोग बहुत सारे डॉग रेस्क्यू करते हैं जो बीमार एंजर्ड वगैरह होते हैं। कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है, कई बार बच्चे सर्वाइव कर जाते हैं, कई बार इतनी एंजर्ड और इतनी मतलब कंडीशन वीक होती है, कई बार बच्चे सर्वाइव नहीं करते। अच्छे से उठाया, अच्छे से किया, अगर लास्ट टाइम में अगर बच्चों को मिट्टी मिल गई तो वो बहुत अच्छी बात है। ये सुविधा अभी हमने लोगों को चालू की है, वरना अदरवाइज हम लोग पहले सिर्फ अपने पेट जो हमारे होते थे, जो जिनको हम लोग रेस्क्यू करते थे, सिर्फ उन्हीं के लिए ही हमने रखी थी। पर लोगों की रिक्वायरमेंट इतनी है तो हम लोग अब जनरली आम लोगों के लिए भी हमने खोला हुआ है। मिनिमम स्टार्टिंग जो टाइम लगता है 45 मिनट के करीब में लगता है, बाकी बॉडी वेट के अनुसार डिपेंड करता है। आई थिंक अगर मान लीजिए अगर आपका पेट 50-60 केजी का भी पेट होते हैं तो उनका मैक्सिमम 1 से 1.5 घंटा समय लगता है। उसमें कोई चांस नहीं होता कोई बॉडी बचना, कोई कुछ भी बचना। मशीनें इतनी हीट, इतना प्रोसेस होता है उनका हाई, वो घंटे दो घंटे में बहुत अच्छे से क्रिमेशन कर देती हैं। ये एक बहुत ही अहम चीज़ है और ज़रूरत की चीज़ है जो कि हमारे सिस्टम में लैक करती थी, लेकिन अब कुछ लोग इस पे काम कर रहे हैं एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्मृति ने आपसे जय अभी थोड़ी देर पहले पूछा था कि न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स एंड इसके साथ में मेरे ख्याल से आप काफ़ी स्ट्रीट डॉग्स के लिए भी काम करते हैं। टॉय ब्रीड्स के बारे में हम जयेश का भी पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे। आप टॉय ब्रीड्स के बारे में या स्ट्रीट डॉग्स के बारे में क्या अंतर है आपके उसके अप्रोच में और केयर टेक में? एक्चुअली स्मॉल ब्रीड्स को तो जितना आप होम फूड देंगे वो इनके लिए बहुत अच्छा है एंड इनको थोड़ा लाइट फूड देना चाहिए। और स्ट्रे डॉग्स का तो उनको हम कुछ भी खिला सकते हैं क्योंकि उनका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है थोड़ा, तो उनको हम लोग आई एम फीडिंग डेली 45 डॉग्स स्ट्रे डॉग्स, तो चिकन राइस वैसे मैं उनको खिलाती हूँ डेली, तो बड़े शौक से खाते हैं। तो यही है कि इनको जितना होम फूड पे आप रखेंगे उतना इनका जो है सिस्टम अच्छा रहेगा इनका। बिल्कुल, हमारे साथ एक इस वक्त कॉलर जुड़ रहे हैं श्रीनगर से। आप अपना नाम बताइए और अपना सवाल पूछिए। मेरा नाम है फातिमा और मैं कश्मीर से बोल रही हूँ। तो मेरा सवाल है हमें किस टाइप के पेट रखने चाहिए अगर हमारे घर में छोटे से बेबीज है? बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। That's such a beautiful and a different question. Toy breed आप suggest करेंगे? Toy breed anything which is not very small. जी. You know, मैं चिवावा recommend नहीं करूँगा, Yorkshire Terrier I don't think is a good choice. आप लासा एप्सो अगर टॉय में ही चूज करना है तो कुछ या शिज़ू इस तरह की कुछ ब्रीड रख सकते हैं जो कि बहुत फ्रेंडली हैं बच्चों के साथ जी। और बहुत ज्यादा छोटे भी नहीं है, इतने छोटे भी नहीं है कि उनको गलती से बच्चे से चोट लग सकती है जी जी जी। तो ये एक फैक्टर है कंसिडर करने वाला। और बड़ी ब्रीड में आप रख सकते हैं लैब्राडोर वगैरह, चाइल्ड फ्रेंडली रहते हैं, तो गोल्डन रिट्रीवर एनी रिट्रीवर इज गुड और कॉकर स्पैनियल फॉर दैट मैटर, सो एनी फ्रेंडली ब्रीड। यस, तो आप जैसा सजेस्ट करें तो थोड़ा सा ब्रीड्स के बारे में आप स्टडी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, हमारे एपिसोड्स भी पिछले देखेंगे तो काफी इन्फॉर्मेशन आपको वहां मिलेगा। बिल्कुल, और इसी के साथ वक्त आ गया है पेट ऑफ द वीक का। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आपने पेट्स के फनी पिक्चर्स और वीडियोस हमें भेजिए और हम यहाँ पर इस मंच पर उन पिक्चर्स और वीडियोस को दिखाएंगे। तो आइए नजर डालते हैं कौन है इस वीक का पेट ऑफ द वीक। तो ये थे पेट ऑफ द वीक। और क्योंकि अब हमारा शो ख़त्म होने वाला है, मैं बस क्लोजिंग रिमार्क्स आप दोनों से लूँगी कि अगर हम एक्स्ट्रा केयर करना चाहें हमारे स्मॉल साइज पेट्स की, वैक्सीनेशन को लेकर के या उनको रेगुलर डॉक्टर के चेकअप्स को लेकर के, तो हमें वो क्या करना चाहिए? आपसे भी पूछूंगी, आप अपने पेट के लिए क्या करते हैं, और जयेश से भी लूँगी। पहले मैं आपसे ये तो बहुत ज़रूरी है कि हम टाइम टू टाइम उसको डॉक्टर के विज़िट करवाएं और उनको वैक्सीनेशन टाइमली करवाएं, तो ये तो बहुत ज़रूरी है। मैं तो अपने पेट को एकदम रेगुलर हूँ मैं अपने पेट के लिए, क्योंकि
आई एम वेरी मतलब बहुत उसको मैं प्यार करती हूँ और ही इज 14 ईयर्स ओल्ड. वैक्सीन को लेकर मेरी अपनी पर्सनल ये रही है कि जो डोजेज है, अगर 1 ml डोजेज है जो आप लैब्राडोर के पपी को लगा रहे हैं, इनको मैं प्रेफर करता हूँ कि एग्जैक्टली हाफ द डोज लगाएं, बिकॉज द अमाउंट ऑफ एंटीजन दैट इज एंटरिंग द बॉडी, यू नो, उसका वजन ही, एक पपी का वजन होता है रफली यू नो 300-400 ग्राम चिवावा के पपी का या यॉर्कशायर के पपी का. तो मेरा अपना प्रेफरेंस, आई मीन वेट्स कुड यू नो बेग टू डिफर ऑन दिस, बट आई हैव ऑलवेज हैड अ बेटर एक्सपीरियंस गिविंग हाफ अ डोज. इट विल गिव फुल कवरेज बट इट वोंट कॉज एनी इश्यूज विद इन द इम्यून सिस्टम ऑफ द डॉग ऑफ द पपी. सो दैट इज दैट. एंड अदरवाइज अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हैं लाइक विद एनी अदर पेट, स्मॉलर ब्रीड्स में थोड़ी सी इनिशियली एज अ पपी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. यू हैव टू बी वेरी वॉचफुल, वेरी केयरफुल, इवन यू नो सिंपल थिंग्स लाइक नॉट टू स्टेप ऑन द पपी, सो थिंग्स लाइक दैट. एंड दे विल बी विद यू फॉर 15 ईयर्स गिविंग यू जॉय. और आज का भी डिस्कशन हमारा हमेशा की तरह बहुत ही फ्रूटफुल रहा. थैंक यू सो मच जयेश, थैंक यू सो मच रजनी फॉर जॉइनिंग अस. और हमारे दर्शकों से ये रिक्वेस्ट है कि आपके कोई सजेशंस हो, कोई सवाल हो, या आप अपना पेट के फनी वीडियोस या पिक्चर्स हमें भेजना चाहते हो, तो हमारा मेल आईडी है bestfriendforeverpets@gmail.com. इस मेल आईडी पे आप हमें अपने सजेशंस, फीडबैक और पेट्स के फनी पिक्चर्स और वीडियोस भेज सकते हैं. एंड इट्स बीन अ लवली एपिसोड. अगली बार आपके साथ हम जुड़ेंगे दिवाली स्पेशल. एंड दिवाली के समय में क्या पेट्स के लिए करना चाहिए, क्या ख्याल रखना चाहिए, किस तरीके से उनको तंग नहीं करना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में आपसे बात करेंगे अगले हफ्ते. टिल देन, लिव लाइफ, लव एंड रिस्पेक्ट एनिमल्स, बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर.